और अगली खबर भी दिल्ली से, जहां दीपावली में पटाखों पर बैन लगा दिया गया। दिल्ली सरकार का कहना यह कि दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया, जबकि बीजेपी इस फैसले को हिंदुओं के खिलाफ बताते हुए दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़ा कर रही है। दिल्ली एनसीआर एक बार फिर गैस चैम्बर बन गई है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की हवाओं में एक बार फिर घुटन है। तमाम दावों के बाद भी दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से राहत नहीं मिली। लेकिन आसमानी होते एक्यूआई ने एक बार फिर दिल्ली का सियासी तापमान हाई कर दिया है। दिवाली से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने पटाखे पर बैन का फैसला लिया, तर्क दिया गया फैसला प्रदूषण को रोकने के लिए लिया गया है ताकि लोगों को नुकसान ना हो। दिवाली से ठीक पहले जब अरविंद केजरीवाल से इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणी का भी हवाला दिया। ये तो सभी सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनजर जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्यौहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्यौहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से जनवरी 2025 तक पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से रोक का आदेश दिया गया है, जिसमें ऑनलाइन बिक्री भी शामिल है। हालांकि ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी गई है, जो कम हानिकारक है, लेकिन इसके लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इतना ही नहीं, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल के मौके पर भी पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार के इस फैसले पर अब सियासी भूचाल मच गया है। बीजेपी का आरोप है कि त्यौहार देखकर दिल्ली सरकार फैसले ले रही है। हिंदुओं के त्यौहार पर प्रदूषण का ख्याल आता है, लेकिन जब खुद जेल से रिहा होते हैं तब प्रदूषण का ख्याल नहीं आता। पॉल्यूशन से बचने के लिए हर उपाय करना चाहिए, लेकिन जो एक दिन के त्यौहार को बैन करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, हम उसके खिलाफ हैं। जब भी सनातन फेस्टिवल कोई आता है तो इस प्रकार के पटाखों पर बैन लगाया जाता है। मेरा एक और बड़ा सवाल है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से छूटते हैं तब दिल्ली में पटाखे बजाए जाते हैं, तब दिल्ली प्रदूषित नहीं होती। इससे साफ जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मानसिकता क्या है। एक तरफ पॉल्यूशन और पटाखे को लेकर सियासत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पटाखों की खरीद बिक्री करने वालों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। निगरानी के लिए दिल्ली सरकार और पुलिस की 377 टीमों का गठन किया गया है। जागरूकता के लिए RWA, मार्केट एसोसिएशन और धार्मिक समितियों का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही अब तक पटाखा बेचने के करीब 80 मामले दर्ज किए गए हैं और 20,000 किलोग्राम पटाखों को जब्त किया जा चुका है। साल भर के इंतजार के बाद दिवाली का त्यौहार आता है। पहले प्रदूषण से परेशानी और अब दिल्ली सरकार के आदेश के बाद राजधानी वासियों के दिवाली की रौनक थोड़ी ही जरूर, लेकिन फीकी जरूर होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।